बस्ती जिले के हरैना तहसील में स्तरीय मशरूम कृषक गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त गोविंद राजू SN ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिले भर के प्रगतिशील किसान और आसपास के किसान शामिल हुए। वही किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित किया गया। मशरूम की खेती करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि हरैना तहसील का हसीनाबाद और आसपास का इलाका मशरूम उत्पादन का हब बन चुका है। मशरूम की खेती यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मशरूम की खेती से किसानों को अच्छी आय हो रही है। का हम लोग जो गेहूँ का पौधा बोते हैं उससे जो भूसा बनता है उसी के माध्यम से जो भूसा होता है उसी को कंपोस्ट पर तैयार किया जाता है। और ये बीज जो होता है ये हरियाणा से हम लोग को पर्याप्त होता है। उसी बीज के बीज को डालकर ही हम लोग तैयार करते हैं इसको। कितना वर्षों से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं? करीब 3 साल से। कितना फायदा हो रहा है? लागत कितनी लग रही है? लागत सर जिस तरह से हम लोग छप्पर लगाते हैं, एक छप्पर भी 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है। मौके पे 8 छप्पर हमारे पास है, तो जो भी 10-12 लाख रुपए लगे। आमदनी कितनी हो रही है? आमदनी सर प्रोजेक्ट अगर अच्छा चल गया तो ज्यादा भी हो सकती है, और अगर नहीं अच्छा चला तो नुकसान भी हो सकता है। कृषि विभाग की तरफ से कुछ आपको सहायता राशि मिल रही है अनुदान? सर कोई अनुदान राशि नहीं। आपके यहाँ संगोष्ठी है, मंडलायुक्त ने आपके इसको देखा भी है, कुछ कहें आपसे? हाँ सर खुश तो हैं। ये नागपुर गांव जो हरैया तहसील में है, मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये मशरूम खेती के गोष्ठी ऑर्गेनाइज किए थे। मैं इसको यहाँ पे करीब 160 किसान इस खेती का यहाँ पे निरंतर कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका प्रयास है, हमें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ताकि ये अपने तरीके से किसान कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कमी महसूस है, जैसे इनके लिए जो लोन की सुविधा थोड़ा, मैं इसलिए LDM और SBI के लिए ब्रांच मैनेजर को बनाया है, वो लोग भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा जो मशरूम का जो वैल्यू एडिशन है प्रोसेसिंग, यानी इसकी और कीमत ज़्यादा मिले, इसका पाउडर बना दें, इसके बॉटलिंग या इसके पैकेजिंग की व्यवस्था है, इसके बारे में हम और प्रयास करेंगे ताकि इसके वैल्यू एडिशन से इनका मूल्य वर्धन हो और किसानों का आय दुगना हो। यही प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हर संभव है हम लोग करने की कोशिश करें।